लेट हो गए हैं, ठीक है, बस अब निकलते हैं, कपड़े शपड़े पहन लिए, अब जाते हैं सीधा नमाज के लिए। ये दोबारा यार इसने कैसे किया था, स्टूल उठाने वाला यार, मोए मोए। तो यार मेरा देख के इतना कुछ दिमाग खराब होता है ना, बगैर तो इल्यूमिनाटी एक दोस्त है भाई साहब, वो इल्यूमिनाटी बन गया वक्त पक्का पक्का इट इज है। ज़का भी है ना मेरे साथ, ज़का मैं मेरे पीछे मुक्का लगा दे अपने, उसको उठाओ। इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे जिन्नों के बारे में। ब्लैक कैट सामने आई थी, वो जिन था। रात का क्या टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। अभी ना यहाँ से ऐसी ब्लैक कैट गई ना, ये लाइट्स ऑन की, आपको पता ही होगा ये लाइट्स ना इसकी, तो लाइट्स अभी ना ऑन नहीं हो रही थी। बातें सुन ली हमारी, बाकी उसको बताएगी अपने बॉस को। अगर कल को इसके साथ कुछ हो जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। दुनिया में काफी मिस्ट्री है, चल रही है, हमें पता नहीं है। आज की एडवाइस अच्छी कह लो, अच्छी बात कह लो, वो यही है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out। आज जो है यहाँ पे चादर आता है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, फिर चलते हैं और यहीं से करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। लेट्स गो। मैं आगे बैठे ही था जी, पता चला जी एक चीज़ हम भूल गए हैं जी, अब दोबारा से जाना पड़ेगा, बुझा के लेते हैं फिर मसाला था चिकन टिक्का बोटी, तो अब वहाँ जाते हैं दोबारा। क्या यार कसम से हमें मिर्च मसाले किधर पड़े हुए हैं, तो भाई साहब ढूंढना पड़ेगा। ऑल टाइम किधर है, किधर होगा, यस मिल गया सेक्शन, ये मिल गया हमें, यही चाहिए था, ये रह गया था। नहीं नहीं ये नहीं था, ये था टिक्का बोटी मसाला लेना था, ये मिल गया हमें, बस ये पकड़ते हैं और निकलते हैं। सामान ले लिया जो रह गया था। हमेशा ऐसे ही होता है कि ग्रोसरी जब पूरी कर लो तो कोई ना कोई सामान जो है वो रह जाता है, जब घर आते याद आता है वो अच्छा वो तो रह गया था। तो अगर अभी हमने ले लिया, हम जाते हैं घर वापस, उम्मीद है कि अब कोई और सामान नहीं रहता होगा, सब ले लिया होगा। घर जाते हैं, घर जाके कपड़े शपड़े निकालते हैं, अच्छा आता है, जाके ईद की तैयारी करते हैं, नमाज के लिए भी जाएंगे। सुबह यहाँ पे आई थिंक होगी नमाज 5:30 के अराउंड अबाउट होती है, मे बी 5:30 हो या 5:45 लाइक इस तरह का टाइम होता है यहाँ पे। घर जाके फिर कपड़े शपड़े निकाल के प्रेस वगैरह करते हैं, करवाते हैं, देखते हैं। फिर अब लोग उठ गए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, ठीक है, बस अब निकलते हैं, कपड़े शपड़े पहन लिए, अब जाते हैं सीधा नमाज के लिए, ठीक है। तकबीर की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, बस अब चलते हैं रेडी होके, चलो मिलते हैं आप लोगों को बाद में। हेलो जी अगेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज पढ़ ली ईद की, ठीक है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। तो खुश रहें, एंजॉय करें, अपनों में रह के खुशियाँ बांटें, मीठा बांटें साथ। अभी हमने घर वालों को ड्रॉप कर दिया घर पे, अभी हम जाते हैं नाश्ता वगैरह लेने, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो ड्रॉप करके नाश्ता लेते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या अपडेट है। 1-2 दोस्तों की कॉल्स आई थी कि आओ मिलते, मैं कभी कोई शर्म करो, कोई सुबह सुबह का टाइम है, बंदा थोड़ा फैमिली में टाइम गुजारे, उसके बाद ही तुम लोगों को मिलने आऊँगा ना। तो बस अभी हम नाश्ता करते हैं। सही ईद का जो मज़ा है ना वो आता है पाकिस्तान में, ठीक है जी, सही इन्जॉय होता है पाकिस्तान में। चलो बाहर की ईद भी ठीक है, यहाँ भी इन्जॉय करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इन्जॉय नहीं होगा, यहाँ भी इन्जॉय होगा। ये जो सूरज है ना सामने से लाइट पड़ रही है मेरे पे सूरज की, तो जिसकी वजह से मैं बहुत रूप आया हुआ है मेरे मुंह पे। तो रात को जो है आपको पता है फिर स्किन पॉलिश वगैरह भी करवाई थी थोड़ी सी, तो ज़्यादा ही चमक रहा हूँ मैं। जो है मैसेजेस मुझे आने लग गए हैं, बस अब नाश्ता लेते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। नाश्ते के बाद मामा के हाथ का शीर ख़ौरमा खाने का जो मज़ा है, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। A few moments later. तुम्हें याद आ गया? तो भी किधर है? जब हम बनाएंगे ना तुमको। तब आया ईद मिलने के। मुबारक, खैर मुबारक। हाँ। मैंने बोला तुम्हारी रमजान में शक्ल नहीं देखी तो ये क्या? ये आज पहन ली मैंने, कहा ये ऐसे कब से भरी हुई है। तो ये एप्पल वॉच मेरी पता नहीं भरी हुई थी, मैंने कहा आज पहन लेता हूँ। इधी दे रहे हो यार, मोटा हो गया, कम हो गया तो ज्यादा हो गया। ये इसके पैसे जो इसने मुझे 1.5-2 साल पहले दिए थे, महीना पहले, तो ये इसको उसी हालत में वापस मिल रहे हैं। ताज़ा ताज़ा नोट, बल्कि फ्रेश नोट। ये मेरा नोट नहीं था, मुझे पता है तुम्हारा नोट तो सड़ चुका होता है इधर, वो मैंने यूज करके तुम्हारे लिए भी ताज़ा। तो इसने मुझे कहा ये लो ईदी, ईदी भी है तो वो मेरी है। तुम्हारी ईदी यार, नहीं तुम्हारी ईदी यार, रख लो। ये नया नया नोट लग रहा है, मुझे लगा तुमने ईदी बांटी है। तो कैसी जा रही है तुम्हारी ईद? बस अभी पता नहीं कैसी जाएगी, तुम आ गए हो तो हमारी ईद भी गुजर रही है। बस ईद आई, मेरा ढोला नाल सा ढोला साहब। हम लोग जा रहे हैं जी कतार। उधर कहाँ से निकलना है वो चुकी लेजेंड समझ जाएंगे। ट्रैफिक बहुत ब्लॉक है भाई साहब, ट्रैफिक हर जगह पे ब्लॉक है। बस वहाँ जाके आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या सीन चल रहा है उधर। हम लोग जी लेट हो गए हैं। किधर है हम लोग? हो गए लेट, ट्रैफिक इतनी थी जो फायर वर्क से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, अभी ट्रैफिक इतनी है ना वो, यार देखते हैं प्यारे हो रहे हैं सामने, दिखाते हैं आप लोग। चलो फिर बॉलीवुड टाइम मेरे को लेने के लिए है, नहीं तो तो रश काफी ज्यादा है। ऐसी ईद होती है बोर तरीन ईद। हम राउंड लगाने हैं, देख रहे हैं कि क्या सीन है, टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये पागल लोग टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉकर्स आए हुए हैं भाई अभी। ओए होए होए, ये पीछे टिकटॉक बना रहे हैं, यानी देख ये पीछे टिकटॉकर्स हैं बड़े हैवी। इधर कोई मैजिक चल रहा है। मैजिक कर दिया इसने। Someone from the girls for this trick. Magic, but it's right there. Trust me, okay? Now do like this. Clap. Wash it all over your hands. Inhale. Exhale. Hands on the back. Ladies. ये क्या कर रहे हैं? लगा हुआ भाई यार, इसके रुमाल में कुछ था। ठीक है यार, इसने कैसे किया था स्टूल उठाने वाला यार? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके जो है ना उसमें कुछ था, इसके रुमाल में पावर से कुछ स्टूल उठाने वाला खतरनाक है। हाँ वो चला सारे के तरीली चल रहा है, जाके बैठो इसमें। मोए मोए सही इंजॉय तो ये कर रहे हैं। ये चमड़ गया ना, करंट लग गया इसको, मजा आ जाना। सबको पता है इनके अंदर कॉस्ट्यूम के अंदर बंदे हैं, फिर भी ऐसे खुश हो रहे हैं। चलाओ चले आगे। फिलहाल हालात जो है ना ऐसे ही चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे टिकटॉकर्स आए हुए हैं, कसम से बाहर से भी आए हैं लोग, उनको भी कल्चर नहीं पता कतर का। वो लगे हुए हैं भाई हैवी टिकटॉक बनाने, जप्पे जुपियाँ डाल रहे हैं। वो ऐसे कर रहे थे वहाँ पे, वो तो उसका बस नहीं चल रहा था। वो कह रहे थे हम एक ही कपड़ों के अंदर हो जाएं दोनों। किसी का जो है ना बच्चा खो गया और उसके बाप को फिक्र नहीं, बेचारा घंटे से लगा हुआ भाई कौन है, किधर हो किधर हो। आई थिंक उसके बाप ने शुक्र किया कि गया, थोड़ा देर सुकून हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं एंजॉय करूँ, मॉल चल देखूं मैं, उसके बाद खली वाली जाता है। और क्या करते हैं? कुछ नहीं करते है। यार मेरा देख के इतना कुछ दिमाग खराब होता है ना, वो मुझे उलझन होने लग जाती है। कुछ मैंने देखी है ये यार, ये ऐसे काम क्यों करते जब इनको पता है। सबने जो है आज का दिन कर लिया है स्पेंड, और डे वेल स्पेंड हो गया है। फायर वर्क्स थोड़े मिस हो गए थे हमसे, तो हमने गाड़ी से जाते जाते देख लिए हैं कि अच्छा गुजरा दिन आज का। तो बस अब वो लोग जा रहे हैं वापस। भूख शूख लग गई इस भाई साहब को भी और मुझे भी, और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। तो बस आज का भी लोग करते हैं यहीं पर हम लोग एंड। आप सबको मेरी तरफ से और इसकी तरफ से ईद मुबारक अगेन। बस आज का भी लोग करते हैं यहीं पर एंड, एक अच्छी एडवाइस के साथ। बोलो आज तुम बोलोगे वॉइस, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल। अच्छी एडवाइस ये है कि अगर आपकी शक्ल बदसूरत हो ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बात अच्छी कर सकते हैं ज़ुबान से बस। तो जा तो बस आज के हम लोग करते हैं मैं एंड, एक अच्छी एडवाइस के साथ। अच्छी एडवाइस अच्छी बात आज की यही है कि यार बस इसने मुझे बुरी खबर सुना दी है। ये देख रहा है कोई किसी की डेथ हो गई है, केव जो करते नहीं, क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन्स पे। खैर तो बस आज का व्लॉग करते हैं हम लोग एंड। ये माइक मैंने इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आए। अच्छी बात एडवाइस कर लो यही है कि ईद का मौका है, ठीक है। अगर आपसे कोई लोग नाराज़ हैं तो आपकी गलती है वहाँ पे, और कोई भी ऐसे कोई रीज़न है, ये एक मौका होता है, ठीक है। जाके आप लोग मना लो, अच्छी बात है, आप जाके उनसे कर लो, उनको मना लो, ठीक है। लेकिन जो लोग डिज़र्व करते थे उनके पास आप लोग हैं, ऐसी बाकी जो है उनको इग्नोर करें, फजूल लोग ये वो, ठीक है। बस यार मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम अपनी बहन में लगाई हुई है तुमने। तो बस आज का व्लॉग करते हैं हम लोग एंड यहीं पे। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। ये भाई साहब मेरे साथ ही हैं, तो बस चलते हैं हम लोग घर वापस। मेरे फ़ोन की बैटरी मेरी ख़त्म होने लगी है। यहीं पे हम लोग व्लॉग एंड करेंगे। क्या हुआ, चलो गाड़ी हमारी साइड पे पार्क है, हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ। बाकी अल्लाह चलो चले। अच्छा, इसने भी एक वीडियो दिखाई है ट्रिक, कैसे था तारिक मुझे बता कैसे करना है वो फिंगर्स को। मैं पीछे कर रहा हूं ऐसे, वो बंदा लगा ये आगे घुमा रहा है पीछे घुमा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऐसे घुमानी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नहीं हो रहा, लोग भी ट्राई करें, नहीं हो रहा और बताएं, ट्राई करें कमेंट में बताएं फिर। हां ये वाकई नहीं हो रहा, मैंने भी ट्राई किया, नहीं होता, बहुत दिमाग वो हो रहा है। ट्राई करें आप सब भी और देखें और बताएं जरा होता है या नहीं। दोनों फिंगर्स मूव करनी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करनी है आपने ऐसे राउंड में, और दूसरे हाथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने करनी है। तो देखिए अगर आपसे होता है तो लेजेंड है भाई। तो ये डिस्कशन डीप चली गई थी इल्यूमिनाटीज के बारे में। हाँ, मैंने कभी इस तरह मतलब हमारे सर्कल में मतलब मेरा कहने का मतलब ये हमारे सर्कल में पाकिस्तानियों में हमारे लड़कों में इस तरह मैंने कभी नहीं देखा। मतलब तुम एक करीबी मेरे दोस्त जो तुम कह रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त है, मतलब मेरा एक दोस्त है भाई साहब, वो इल्यूमिनाटी बन गया वक्त पक्का पक्का। ये डिस्कशन हो रही थी तो ये बंदा मुझे सीरियस नहीं रहने देता कि कोई डीप डिस्कशन हो रही हो, ये नहीं चाहता हमारी ऐसी भी बात हो। जॉली आदमी, जोली आदमी तो तुम हो, लेकिन कभी कभी तुम जब आते हो ना साइड पे तुम फिर वापस नहीं आते। ये भी है सीरियस टॉपिक है। नहीं यार, बगैर तो इल्यूमिनाटीज इंसान के बच्चे बनो, क्या हरकत है गजब, इल्यूमिनाटीज बन जाते हैं लोग पैसों की खातिर इंसान बन। मतलब जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं यार, सिंगर्स, ये सब इंडस्ट्री जितनी भी है ना आपकी, ये बड़े-बड़े सिंगर्स जो हैं सब इल्यूमिनाटीज हैं। वकार ज़का मैं कहता हूं बाप है इल्यूमिनाटीज का। वो तो अब क्यों मुझे किसी ने बताया, तुमने बताया था? ओ भाई साहब वकार ज़का अचानक से इसमें यही होता है ना, बेसिकली आप शैतान को खलास भेज देते हो, अपना आप उसको उनको सौंप देते हो आप, ये कि मतलब फुल सक्सेस मिलती है अचानक। लेकिन इसकी बड़ी लंबी डिस्कशन है, मुझे मैंने इसके बारे में ना काफी रिसर्च की है जी, बहुत रिसर्च किया था, मैं बहुत इंटरेस्टेड। तो अभी इल्यूमिनाटीज जो है ना, जो इनके जो भी मोकल होते हैं, शान होते हैं, ये हर एक के पास नहीं ऐसे आ जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ हो, विल करने की हो ना कुछ इस तरह, मतलब उनको काम किया ये, मतलब उनको पिक कर लेते हैं फिर। ऐसे नहीं कि हर एक को ये नहीं, ऐसे नहीं है, तो अल्लाह बताए बस, हम ये कह सकते हैं। उस पर डर होता है, कभी कभी कहता है नहीं मुझे भरोसा है तुम्हारे पे, तुम ऐसी तुम यार। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये साले इल्यूमिनाटी जितने भी है ना, ये नमाज जाएंगे मस्जिद भी शो करवाएंगे, हम नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद कर। अच्छा मैं तुम सबके बाप, वो देख लेगा साला, माइंड ना करे, खैर ये ना मेरे पीछे मौका लगा दे अपने, इसको उठाओ सही बात है, इसका वो कर दो भाई, मेरा अल्लाह पे यकीन है। तो भाई साहब उससे कुरान की तिलावत नहीं हो पाती। अच्छा, उससे अल्फाज नहीं निकलते, ऐसी गंदी चीज है ये ब्लैक मैजिक से ऊपर की चीज है। नहीं वो अल्लाह माफ करे, हम चलेंगे कुछ सीरियस डिस्कशन में, इस पे हम कभी फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे पूरे यार। इस पे एक व्लॉग बनाते हैं, इस पे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। सही बात है, मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन अभी तुम लोगों को बताऊंगा तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो फिर कभी इंशाल्लाह इस पे व्लॉग हम लोग बनाएंगे। तो ये भाई साहब मेरे साथ बैठेंगे, तो हम एक तरह के छोटी सी की पॉडकास्ट टाइप रिकॉर्ड करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तुम जाइए कुछ खाने पीने के लिए, व्लॉग अगर फ़ोन मेरा साथ दिया तो हम वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, फिर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हम बड़ी कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे ऐसे बैठे हुए ना, जिन्नों के बारे में, काफ़ी रियल स्टोरीज जो कतर में होती रही हैं, जो हम थोड़ी पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं ना, उसमें एक बंदा स्टोरीज बनाता है, बताता है जिन्नों की रेल। तो मैं ऐसी बात कर रही थी, उसमें ना उसने एक बताया हमें कि ब्लैक कैट, अगर रात में ना उसने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें जो है ब्लैक कैट सामने आई थी, वो जिन था, वो रियल स्टोरी सुनाता आदमी। तो अभी हम ऐसी बात कर रहे थे, अभी रात का क्या टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। अभी ना यहाँ से ऐसी ब्लैक कैट गई, तो मैं इसको मजाक से बोला हूँ देख ब्लैक कैट, अभी हम स्टोरी सुन रहे थे ना। तो फिर क्या हुआ कि हम बस जाने लगे थे, हमने ना ये लाइट्स ऑन की, आपको पता ही होगा ये लाइट्स ना इसकी, तो लाइट्स अभी ना ऑन नहीं हो रही थी। हाँ ये मतलब चाबी घुमाए बगैर भी ऑन होती है, गाड़ी ऑन किए बगैर भी ऑन होती है। अब गाड़ी बंद है, ऑन हो गई है, तो दो बार ऑन नहीं हुई है, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर हमने इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑन किया तो ऑन हो गई एकदम से। तो मैंने इसको कहा जो ब्लैक कैट गई ना आगे से बाबा जी था, वो उसने ना बातें सुन ली हमारी, और वो जाके उसको बताएगी अपने बॉस को, सारे सुना तो जनाब जो भी हमें देख रहे हैं अभी, तो अगर कल को इसके साथ कुछ हो जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। बात भी इसी ने शुरू की थी, इसके गाड़ी के जो ये लाइट्स भी नहीं जल रही थी अभी, तो ये एक सीन हुआ है छोटा सा ऐसे हमारे साथ। तो हमने उस बंदे की पॉडकास्ट दे रहे थे, वो बड़ी रियल स्टोरीज बताता है। तो उसने कतर की भी स्टोरीज बताई, कुछ दुबई की बताई, ओमान की बताई है, और किसकी बताई थी? कतर की भी बताई, भारत की बहुत ज़्यादा है। हाँ, दुबई की बहुत बताई है उसने। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये चीज़ें। देखिए दुनिया में काफ़ी मिस्ट्री है, चल रही है, हमें पता नहीं है। तो बस आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी एक, बस कल को इसको कुछ हो जाता है तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, बस ओके, अल्लाह हाफ़िज़।